हाय गाइस, वेलकम टू आवर चैनल एसपी इंडस्ट्री में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे श्रीलंका और इंडिया के बीच जो खेला जाएगा फर्स्ट T20 जो महामुकाबला खेला जाएगा उस मैच के बारे में। और हाँ, अगर आप पहली बार हमारे YouTube चैनल पर आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, क्योंकि आपको फाइनल टीम हमारे टेलीग्राम चैनल पर ही मिलेगी। दोस्तों, पहले वाला चैनल डिजेबल हो गया तो हमने नया चैनल बनाया, अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कीजिए। हमने कल सारे T10 मैच कवर किए थे, यहाँ 4 T10 मैच में 3 तो अल्ट्रा क्लीन स्वीप हुए। दोस्तों, चौथा मैच थोड़ा लॉस हो गया था, वुमन वाला मैच भी खेला हमने तो वुमन वाले मैच भी बेहतरीन गए दोस्तों। साथ ही ऑस्ट्रेलिया वाला मैच जो खेला आज, उसमें भी दोस्तों रैंक 16 आई थी GL में, 797 पॉइंट बने। तो अगर आपको भी ऐसी टीम चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम को चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिए। अगर आपको फिर अच्छा नहीं लगता, अगर आप हारते हो तो आपकी इच्छा, आप चाहो तो हमारे टेलीग्राम चैनल को स्किप कर सकते हो, लेकिन आप अपने भाई को जरूर सपोर्ट कीजिए। साथ ही दोस्तों, मैं सारे मैचेस की वीडियो नहीं बना पाऊंगा, तो अगर आपको जो TNPL और 100 वुमन जो मैच आएगा इसकी टीम भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कराई जाएगी तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। साथ ही दोस्तों, इंग्लिश वनडे कब में इतने में से कोई एक मैच में कवर करूंगा और जो मैच कवर करूंगा उसका शायद वीडियो दे दूंगा, और वीडियो नहीं दे पाए तो आपको टीम टेलीग्राम पर पोस्ट कर दी जाएगी। तो आपको यही करना, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। दोस्तों, मेरा मकसद है कि वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करना, लेकिन इंडिया और श्रीलंका में बेहतरीन नॉलेज, हर एक प्लेयर का स्टेट्स निकाला, अगर ऐसे वीडियो बने चलाता रहेगा हर एक प्लेयर का, मैं स्टेट्स बताता रहूँगा दोस्तों, तो एक घंटे से ऊपर का बन जाएगा, लेकिन मैं इतना लंबा नहीं करूँगा। तो दोस्तों, वेन्यू की बात करें तो दोस्तों ओए प्रेमदस्ता स्टेडियम कोलंबो में खेला जाएगा दोस्तों मैच। यहाँ जो लास्ट जो ODI मैच थी दोस्तों, जो वहाँ बारिश हुई थी, इस वजह से इस मैच में भी चांस रहेंगे बारिश के। एवरेज स्कोर की बात करें तो 150 से 170 के बीच आपको देखने को मिल सकता है, लेकिन बारिश इस मैच में बाधा जरूर डाल सकती है। लास्ट 6 मैचेस की बात करें इस ग्राउंड में, तो इंडिया और श्रीलंका के बीच जो T20 ODI मैच खेले गए, टेस्ट मैच खेले गए सारे, वो इस आधार पे दोस्तों इंडिया ने 227 के साथ विकेट पे, लास्ट मैच तो श्रीलंका जीत के आ रही है तो उनका जो हौसला है वो थोड़े बुलंद होंगे, लेकिन आप देख सकते हो लास्ट 6 मैचेस के स्टेट्स इस ग्राउंड में, तो 7 पे जो लास्ट मैचेस है उसमें 7 विकेट पेसर ने लिए, 10 विकेट स्पिनर ने लिए, 7 विकेट पेसर ने स्पिनर ने। तो दोस्तों, इस पिच पे स्पिनर भी ज़्यादा हावी हुए तो पेसर भी ज़्यादा हावी हुए, तो आप एक कॉम्बो टीम बना के चलेगा। दोस्तों, इंडिया ने ODI सीरीज को जीत लिया, लेकिन फिर भी लास्ट मैच जो श्रीलंका से हार के आ रही है, तो श्रीलंका इस पहले T20 मैच को जीतना चाहिए। दोस्तों, सूर्य कुमार यादव और पृथ्वी शॉ का नाम इंडियन जो टेस्ट टीम है इंग्लैंड के खिलाफ जो सीरीज चलने वाली है वहाँ सेलेक्ट हो गया, लेकिन जो दोनों प्लेयर है वो T20 सीरीज खेल के जाएंगे, ऐसा रिपोर्ट के आधार पर पता चल रहा है। लेकिन अगर सूर्य कुमार यादव और पृथ्वी शॉ अगर नहीं खेलते और पहले ही चले जाते हैं तो आपको फाइनल टीम आफ्टर टॉस लाइनअप के बाद हम चेंज करके अपने टेलीग्राम चैनल पर पोस्ट कर देंगे। दोस्तों, वो वरुण चक्रवर्ती जिसको फिटनेस इश्यूज था, अब शायद तो फिट हो गया है, तो इस मैच में जो वो अपना डेब्यू करेगा। बात करें प्रॉपर 11 के, तो शिखर धवन पृथ्वी शॉ ओपन करेंगे, सूर्य कुमार यादव नंबर 3 पे, ईशान किशन नंबर 4 पे, संजू सैमसंग नंबर 5 पे, दोस्तों हार्दिक पंड्या कुणाल पंड्या नंबर 6 और 7 पे आएंगे, फिर भुवनेश्वर कुमार, दीपक चहर, यजुवेंद्र चहर और वरुण चक्रवर्ती संभालेंगे। मेन बैट्समैन की बात करें तो आप देख सकते हो स्पिनर में, आप देख सकते हो यजुवेंद्र चहर और वरुण चक्रवर्ती दोनों स्पिनर है दोस्तों इंडिया के लिए। पेसर में भुवनेश्वर कुमार और दीपक चहर हैं, हार्दिक पंड्या भी दोस्तों अपना योगदान दे सकते हैं बॉलिंग में। डेथ ओवर में भुवनेश्वर कुमार, हार्दिक पंड्या, दीपक चहर, भुवनेश्वर कुमार का तो फिक्स है दोस्तों, फिर हार्दिक पंड्या और दीपक चहर में से कोई एक प्लेयर डेथ ओवर करेंगे। फुल स्टेट्स दोस्तों मैंने हर एक प्लेयर का निकाला तो ऐसे वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो आप अपने हिसाब से देख ले, जो मेन प्लेयर है वही देख ले। जैसे मनीष पांडे ने दोस्तों 8-8 7 मैच खेले हैं, 226 रन बनाए 113 की एवरेज के साथ। इस वेन्यू पर बात करें तो 5 मैच में 185 रन बनाए 92 की एवरेज के साथ, बेहतरीन प्लेयर है दोस्तों। लेकिन मनीष पांडे थोड़ा डाउन बैटिंग करेगा, और दोस्तों अगर मनीष पांडे खेलता है तो आप उसको जरूर ट्राई करना, मुझे नहीं लगता इस मैच में खेलेगा। आप हर एक प्लेयर का स्टेट्स देख सकते हैं। पृथ्वी शॉ का दोस्तों डेब्यू रहेगा, हेड टू हेड एंड श्रीलंका के खिलाफ पहला T20 मैच होगा और इस वेन्यू पे पहला T20 होगा। लेकिन लास्ट 5 ODI मैच देखिए आप, तो देख लो 7 रन, 53 रन, 21 रन, 82 रन, 89 रन, 43 रन, 13 रन, 49 रन, तो बेहतरीन प्लेयर है, अभी लास्ट मैच में भी अच्छी खासी बैटिंग करके आ रहा है, बैटिंग करके। शिखर धवन के बारे में क्या करें, इंडिया का बेहतरीन पिक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट प्लेयर है, आज कैप्टनशिप भी करेगा इंडिया की ओर से। अब इसके स्टेट्स देख सकते हो, हेड टू हेड तो 8 मैच में 289 रन के, 41 की एवरेज, और इस वेनिंग में 5 मैच में इस वेन्यू पे 198 रन किए। ईशान किशन का आप देख सकते हो 2 मैच खेले हैं T20 में इस वेन्यू पे और 60 रन किए। सूर्य कुमार यादव ने भी दोस्तों इस वेन्यू पे 3 मैच खेले, 89 रन किए, 44 की एवरेज के साथ, तो एक बेहतरीन प्लेयर है। हालांकि 88 इन्होंने कोई मैचेस नहीं खेले। हार्दिक पंड्या की बात करें तो 5 मैच में 49 रन किए और 8 विकेट लिए, बेहतरीन प्लेयर है दोस्तों श्रीलंका के खिलाफ। और इस वेन्यू पे बात करें तो 48 मैच खेले हैं दोस्तों, 474 रन के, 19 की एवरेज के साथ और 41 विकेट लिए, तो बेहतरीन प्लेयर है हार्दिक पंड्या, जरूर ट्राई करना आप। कुणाल पंड्या का दोस्तों 8-8 तो नहीं खेले, लेकिन ग्रैंड लीग में आपके लिए बेहतरीन पिक साबित हो सकता है।
अब इसको ग्रैंड लीग में जरूर ट्राई करना, स्मॉल लीग में भी ट्राई कर सकते हो। इस वेन्यू पे 18 मैच खेले और 14 विकेट लिए, 121 रन बनाए। संजू सैमसन की बात करें तो हेड टू हेड एक ही मैच खेला, 6 रन बनाए, और T20 में 7 मैचेस खेले जिसमें 83 रन बनाए, 11 की एवरेज। इतने कुछ खास प्लेयर है नहीं सैमसन, वो डाउन बैटिंग कर रहा है। भुवनेश्वर कुमार ने हेड टू हेड 2 मैच में 1 विकेट लिया और इस वेन्यू में 1 विकेट लिया। दीपक चहर की बात करें तो दोस्तों इस वेन्यू पे इन्होंने 14 मैच खेले जिसमें 18 विकेट लिए। कुलदीप यादव ने हेड टू हेड 5 मैच खेले, 10 विकेट लिए, बेहतरीन प्लेयर है। और इस वेन्यू पे बात करें तो 1 मैच में 2 विकेट लिए। मैं ज़्यादा वीडियो को लंबा नहीं करना चाहता इसलिए दोस्तों थोड़ा फास्ट बोल रहा हूँ, तो आप एक बार आप आराम से देख लेना पूरे वीडियो को और स्टेट्स हर एक प्लेयर का। चहल की बात करें तो 6 मैच में 14 विकेट इस वेन्यू पे, सॉरी दोस्तों 8-8, और इस वेन्यू पे 6 मैच में 11 विकेट, तो बेहतरीन पिक है आपके लिए। कैप्टन विसी भी ट्राई कर सकते हो ग्रैंड लीग में। राहुल चहर ने दोस्तों इस वेन्यू पे 3 मैच खेले, 3 विकेट लिए। वरुण चक्रवर्ती ने इस वेन्यू पे 21 मैच खेले हैं जिसमें 25 विकेट लिए। पडिकाल तो दोस्तों शायद खेलेगा, खेलता तो आप देख लेना। ऋतुराज गायकवाड़ भी मैच नहीं खेलेगा, गौतम भी नहीं खेलेगा। अगर चेतन साकेरा खेलता तो आप जरूर ट्राई करना जिसने 23 मैच में इस वेन्यू पे 35 विकेट लिए। नीतीश राणा दोस्तों अगर खेलता है तो आप जरूर ट्राई करना। अब बात करते हैं श्रीलंका की ओर से। दोस्तों श्रीलंका की टीम का जो कॉन्फिडेंस है वो हाई होगा क्योंकि उन्होंने लास्ट मैच में इंडिया को डिबीट कर दिया था। प्रोबल 11 की बात करें तो भुनुगा और अविनाश फर्नांडो ओपन करेगा। राजपक्का नंबर 3 पे, धनंजय डी सिल्वा नंबर 4 पे, दोस्तों असलंग का नंबर 5 पे आएंगे, रोहन सना का नंबर 6 पे, हर्षना नंबर 7 पे। हर्षना बेहतरीन पिक है दोस्तों कैप्टन विसी के लिए, अगर श्रीलंका की टीम से आप किसी को ट्राई करना चाहते हो तो। पिक रत्ने आएगा दोस्तों इशरू उडाना, चमीरा, अकेला धनंजय जो कि चाइना मेन खिलाड़ी है। टीम ब्रेकअप की बात करें तो आप देख सकते हो मेन बैट्समैन है सनाका, असलंका, विश्वका फर्नांडो और धनंजय डी सिल्वा। स्पिनर की बात करें तो हर्षना और अकेला धनंजय। दोस्तों धनंजय डी सिल्वा भी कुछ स्पिन के कर सकते हैं 2-3 ओवर, तो आप उसको भी जरूर ट्राई करना है। डेथ ओवर में दोस्तों चमीरा और उडाना, अगर उडाना खेलता है तो। 8-8 की बात करें, अब इसका फर्नांडो ने 2 मैच खेले इंडिया के खिलाफ जिसमें 31 रन किए। इस वेन्यू पे आप देख सकते हो 17 मैच में 201 रन। हालांकि वेन्यू जो है वो श्रीलंका का ही है, तो श्रीलंका की टीम भी इसमें इस सीरीज में इस मैच में अच्छा परफॉर्म करना चाहिए। श्रीलंका ने दोस्तों इस वेन्यू पे 26 मैच खेले, 479 रन बनाए। निशंका ने दोस्तों 3 मैच खेले, 81 रन बनाए, 27 की एवरेज के साथ। आप ग्रैंड लीग में जरूर ट्राई करना। धनंजय डी सिल्वा बेहतरीन प्लेयर है दोस्तों, हेड टू हेड 2 मैच में 74 रन के, 37 की एवरेज के साथ। हालांकि विकेट कुछ नहीं मिला 3 ओवर बॉलिंग के। इस वेन्यू पे बात करें तो 5 मैच में 155 रन किए और 3 विकेट लिए, तो बेहतरीन पिक है। आप हर एक प्लेयर के स्टेट्स आसानी से देख सकते हो। हर्षंग राणा की बात करें तो इस हेड टू हेड 2 मैच में दोस्तों 16 रन किए और 3 विकेट लिए। इस वेन्यू पे बात करें तो 19 मैच में 163 रन किए, 26 विकेट लिए। हर्षंग का बेहतरीन प्लेयर है दोस्तों। रोहन सनाका की बात करें तो 11 मैच में 130 रन किए, 6 विकेट लिए, और इस वेन्यू पे 8 मैच में 77 रन किए और कोई विकेट नहीं मिला। मेंडिस नहीं खेलेगा दोस्तों, रेमिंडू मेंडिस डिलक्सन भी नहीं खेलेगा इसमें। इशरू उडाना खेलता तो दोस्तों 2 मैच में 20 रन किए, 1 विकेट लिया 8-8 में, और इस वेन्यू पे बात करें तो 4 मैच में 33 रन किया और 3 विकेट लिया। कुन्नार रत्ने खेलता तो बेहतरीन प्लेयर हो सकता है दोस्तों, 23 मैच में 143 रन बनाए और 15 विकेट। आप ग्रैंड लीग में ट्राई कर सकते हो। अकेला धनंजय वन ऑफ द बेहतरीन प्लेयर दोस्तों, ट्रम्प कार्ड साबित हो सकता है इनके लिए। लास्ट ओडीआई में भी 3 विकेट लेके आ रहा है, बेहतरीन प्लेयर दोस्तों। 6 मैच में 2 विकेट लिए इंडिया के खिलाफ, लेकिन इस मैच में वैसे भी स्पिनर के फेवर की है पिच दोस्तों कोलंबो की, तो इस मैच में दोस्तों आपके लिए एक बेहतरीन हुकुम को अक्का साबित हो सकता है। इस वेन्यू पे बात करें तो 7 मैच में 7 विकेट है। राजपक्का कह रहे दोस्तों खेलता तो इस मैच में इंडिया के खिलाफ 1 मैच में खेला, T20 9 रन बनाए। इस वेन्यू पे 7 मैच में 140 रन किए, 28 की एवरेज के साथ। और तो दोस्तों रजिता खेलता तो 2 मैच में 3 विकेट लिए इंडिया के खिलाफ, आप जरूर ट्राई करना। लिवरू कुमारा ने भी दोस्तों 2 मैच में 2 विकेट लिए। तो दोस्तों मैं सभी के लिए यही है, एक बार आप हमारे इस वीडियो को केयरफुली देख लेना। अगर कोई प्लेयर जो खेल जाता है तो आप उसका स्टेट्स देख लेना हर एक प्लेयर का, ताकि आपको अपनी ओन टीम बनाने में भी हेल्प मिलेगी। अब चलते हैं अपनी ड्रीम टीम की ओर। उससे पहले हम स्पेन जो इंडिया की जो बेहतरीन साइड है दोस्तों उस पर चलते हैं। जैसा कि हम स्पेन पर आ गए तो ये बता रहा दोस्तों कि रोहन सनाका ने लास्ट 7 T20 में 114 रन किए 19 की एवरेज के साथ। हर्षना की बात करें तो 10 मैच में 108 रन किए 15 की एवरेज के साथ। हार्दिक पंड्या ने दोस्तों 8 मैच में 164 किए लास्ट T20 के 8 मैच में, 32 की एवरेज, बेहतरीन प्लेयर, आप जरूर ट्राई करना कैप्टन विजय। और सूर्य कुमार यादव ने 3 मैच में 89 किए 44 की एवरेज के साथ। वायडू अरनासा की अरसाना की बात करें तो दोस्तों 10 मैच में 14 विकेट हैं। चमेरा के नाम 6 मैच में 10 विकेट हैं। चहल ने 8 मैच में 8 लिए और भुवनेश्वर कुमार ने 5 मैच में 4 लिए। ये आपको हेल्प करेगी जब आप टीम बनाओगे तो। अब चलते अपनी ड्रीम टीम की ओर। दोस्तों विकेट कीपर में आपके पास 3 ऑप्शन है, ईशान किशन, संजू सैमसन और भुनुगा। मैं लूँगा अभी के लिए ईशान किशन को, आप जरूर ट्राई करना अगर इंडिया पहले बैटिंग करे संजू सैमसन को। बैट्समैन में दोस्तों शिखर धवन, सूर्य कुमार यादव, रोहन सनका और पृथ्वी शॉ को लूँगा। आप विश्वका फर्नांडो को ट्राई कर सकते हो। मैं दोस्तों अभी के लिए सनका की जगह विश्वका फर्नांडो ले रहा हूँ जो बेहतरीन और एग्रेसिव प्लेयर है। अगर पता चलेगा कि अगर श्रीलंका लिमिटेड बॉलर के साथ खेल रही है, अगर सनका को बॉलिंग करने का चांस मिलता है तो हम जरूर इसको ट्राई करेंगे। ऑलराउंडर में हर्षना, धनंजय डी सिल्वा,
को ट्राई करूंगा दोस्तों। मैं आप चाहो तो हार्दिक पंड्या को ट्राई कर सकते हो, मैं अभी के लिए इसको दूरी बनाए रखूंगा। अगर इंडिया पहले बैटिंग करेगी तो हार्दिक पंड्या को मैं जरूर ट्राई करूंगा। बॉलर में मैं लूंगा दोस्तों चमीरा को, दीपक चहर, यजुवेंद्र चहर और दोस्तों यहाँ पे मैं लूंगा कुलदीप यादव को। अभी के लिए अपनी टीम ये है, फाइनल टीम आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए दोस्तों। धन्यवाद।